तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको इस तरह के सैड सॉन्ग की जो पहली फाइल देने जा रहा हूं और साथ में आपको बताऊंगा इस तरह का आप सैड सॉन्ग का पोस्टर कैसे बना सकते हैं अपने पिक्सल लैब ऐप से। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में सीखने को मिल जाएगा कैसे मैंने इसमें टेक्स्ट सेट किए, कैसे मैंने PNG लगाई, तो सारी चीज़ आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है उसके लिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो को दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं और इसको हम बनाएंगे पिक्सल लैब ऐप से दोस्तों, और आपको PLE फाइल इसकी मिल जाएगी और लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, पासवर्ड आपको वीडियो में मिल जाएगा इस PLE फाइल का 3 स्टेप में दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों और सीख लेते हैं इस तरह का सैड सॉन्ग का पोस्टर बनाना। तो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना थ्री डॉट पर आपको क्लिक करने के बाद आपको साइज लेनी है। यहाँ पर इमेज साइज जाना है, यूट्यूब थंबनेल की आपको साइज पता होगा दोस्तों, वो साइज आपको ले लेनी है। ठीक है, साइज लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह का एक बैकग्राउंड आपको लेना। ठीक है, इसकी मिल जाएगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इस तरह का बैकग्राउंड आपको बना लेना। ठीक है, फिर बैकग्राउंड बनाने के बाद हमें क्या करना दोस्तों, उस लड़की की फोटो लेनी है एक सैड टाइप में, जैसे रोती हुई लड़की हो। ठीक है, वन साइड फोटो आपको ले लेनी है। यहाँ पर उस फोटो का एडजस्ट आपको एक साइड में कर देना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे आपको इमेज आपको लानी है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और फ्रॉम गैलरी से यहाँ से आपको इमेज वो ले आनी है। ठीक है, गैलरी में आप पहुँच जाओगे, जैसा कि मैंने ला रखी है दोस्तों, पहले आपको दिखा देता हूँ, ये वाली लड़की की फोटो आपको लगा देनी है एक साइड में। ठीक है, इस तरह से रोकती हुई लड़की, क्योंकि सैड सॉन्ग है दोस्तों, सैड सॉन्ग में आपको इस तरह के मतलब व्यू के लिए आपको करना ही होगा। ठीक है, अगली स्टेप में आपको क्या करना दोस्तों, अगले स्टेप में आपको एक लड़की की फोटो लेनी है, उसको यहाँ पर फुल फोटो लेनी है और उसको यहाँ पर एडजस्ट आपको कर देना है वन साइड में, यही करना। ठीक है, इस तरह से आपको कर देना है एडजस्ट। ठीक है, फिर अगले स्टेप में आपको क्या करना दोस्तों, अगले स्टेप में अपना चैनल का नाम है जो भी, तो चैनल के नाम को यहाँ पर आपको लिख देना। ठीक है, इस तरह से पीछे आपको बैकग्राउंड दे देना टेक्स्ट के। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा चैनल का नाम पिता म्यूजिक है, तो आप इस तरह से अपना चैनल का नाम है तो वो लिख देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो भी सॉन्ग है उसका सॉन्ग का नाम यहाँ पर आपको लिख देना। ठीक है, टेक्स्ट का कलर आपको जो रखना वो आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से, इस तरह से आपको कर देना। ठीक है, जैसे मैंने जो नाम लिखा है। ठीक है, फिर अगली स्टेप में आपको क्या करना दोस्तों, जो भी अपना सिंगर है वगैरह है, तो उसका नाम यहाँ पर जो भोजपुरी सॉन्ग होते हैं या हिंदी सॉन्ग होते हैं उसमें ऐसे लिख जाता है सिंगर या सवर, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, जो सिंगर का नाम है, और जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ दोस्तों, इस तरह से आपको लिख देना, जैसे मैंने लिख दिया सिंगर संजीव राघव। ठीक है, इस तरह से आपको सिंगर का नाम लिख देना है और नीचे आपको लिख देना जिसने पोस्टर बनाया उसका नंबर आपको लिख देना। ठीक है, तो पोस्टर मैंने बनाया तो मैं मेरा नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर नीचे जो चैनल का ओनर है उसका नंबर है, तो नंबर आपको लिख देना। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना दोस्तों, अगले स्टेप में आपको बता दूँ कि सैड सॉन्ग है तो टूटा हुआ दिल तो होगा ही, तो उसमें आपको क्या करना है, एक टूटे हुए दिल की PNG आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देनी है। ठीक है, चलिए मैं वो करके दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से टूटे हुए दिल की एक PNG आपको लगा देनी है। फिर अगली स्टेप में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना सैड सॉन्ग। ठीक है, इस जगह पर आपको लिख देना सैड सॉन्ग, जैसे कि मैंने लिख रखा है, इस तरह से आपको लिख देना। ठीक है, सैड सॉन्ग। फिर अगली स्टेप आती है, तो अगली स्टेप में आपको क्या करना दोस्तों, लगभग पोस्टर बनकर रेडी हो चुका है, अगली स्टेप में आपको क्या करना, ऑडियो सॉन्ग है या वीडियो सॉन्ग है, तो वहाँ यहाँ पर आपको लिख देना है PNG लगा देनी ऑडियो सॉन्ग या वीडियो सॉन्ग। ठीक है, जैसे कि मैंने लगा रखा हूँ, आपको अच्छी मिल जाएगी इससे बेस्ट भी, तो वो भी आप लगा सकते हैं, मैंने ये बनाई है तो अब ये लगा देना। फिर आपको सैड सॉन्ग की एक PNG होती है, दर्द भरा गीत, वो मैंने खुद से बनाई है, तो वो PNG आपको यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, आपको PLE फाइल में सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, इस तरह से PNG आपको ये लगा देनी है, जैसा कि मैंने लगाया दोस्तों ये वाली जो आप देख रहे हैं। ठीक है, फिर आप पोस्टर दोस्तों बन गया। ठीक है, आपको पोस्टर अब इसको PLP में सेव करना है, तो PLP को सेव करना है, तो इस पर क्लिक कर देना है, जैसा कि इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सेव ए प्रोजेक्ट, यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाले में आप प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं और नीचे वाले में इस पोस्टर को सेव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसकी PLE फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पोस्टर की, तो वहाँ जाकर आपको डाउनलोड कर लेना। और पासवर्ड आपको वीडियो में 3 जगह पर मिलेगा, 3 स्टेप में, तो सभी पासवर्ड को जोड़ के एक जगह फाइल में लगा देना और एक्सट्रैक्ट कर लेना, फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में दोस्तों।